आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी अभी नोटिफिकेशन आया और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 19/12 जो आपने फॉर्म फिल किया था, यानी कि जो आपके लेक्चरर के पोस्ट के पोस्ट पोस्ट आपने पोस्ट फिल की थी, PGT की 613 जो पोस्ट थी उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। अगर आपका इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जान लेते हैं फुल इंफॉर्मेशन कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सो एंड वे एलिजिबल एंड अकाउंट ऑफ एज एंड फीस ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड बाय HSSC। तो HSSC ने जो एज और फीस का क्राइटेरिया जो फिल किया था उसको जो है क्लोजिंग डेट, तो उसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो जो फिल किया गया है। सो 10 अप्रैल तक आपको लिस्ट जो भी कैंडिडेट्स हैं फाइंड हर मिसिंग नेम, जिनके भी मिसिंग नेम है, सी इज डायरेक्टेड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट बाय 3 PM। तो 10 अप्रैल तक की आपकी जो डेट है वो डाली गई है, जिनके भी कैंडिडेट्स के नाम इसमें मिसिंग है उनको ये कॉपी आपकी सबमिट करवानी होगी और बाद में आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकोगे। ये आपकी HPSC की जो साइट है उस पर वो लिस्ट गिवन है, एक बार आप चेक भी कर लेते हैं। सो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ये 440 पेज की जो है आपकी लिस्ट गिवन है, ठीक है। तो इसमें आप अपना नाम देख सकते हो, अपना एप्लीकेशन नेम, पोस्ट नेम और फादर्स नेम, जो भी आपकी अगर कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका नाम मिसिंग है तो आप अपना जो है ठीक करवा सकते हो। इसकी डेट जो है 10 अप्रैल रहेगी, तो 10 अप्रैल से पहले आप अपना ठीक करवा लेना। ये मेवात कैडर के अलग हैं एंड जो आपके हरियाणा के एग्जैक्ट हरियाणा के वे अलग हैं। कैटेगरी नंबर और सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपके जो एप्लीकेशन नेम है वो आपके अल्फ़ाबेटिकली गिवन है। सो एक बार अपना नाम भी हम चेक कर लेते हैं, जैसे तो लाइक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ये पूनम आ गए यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल सही है, जिनका भी फॉर्म फिल किया गया है तो वो भी चेक कर लेना। एक बार आप अपना नाम ज़रूर चेक कीजिएगा, कहीं कोई गलतफहमी आपको रह जाए, फिर बाद में आपको कोई ऑब्जेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी इस नाम लिस्ट में है उनको ही ये क्या करनी होगी, अपनी ये सबमिट करवानी होगी, ठीक है। ये इसमें गिवन है कि जिसका भी लिस्ट में नाम है उनको जो जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है वो सभी के सभी चीज़ें आपको फिल करवानी होगी। एक मिनट, लास्ट पेज पे देख लेते हैं भाई, ये यहाँ पे गिवन है, ये जो जो डिटेल हैं ये आपको यहाँ पे फिल करके अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको सेंड करनी होगी। हमारा नाम यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमें सेंड नहीं करनी है, जिनका नाम गिवन है उनको ये सेंड करनी है। तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें इसमें आपको सेंड करनी है। फ़िलहाल आप अपना नाम चेक कर सकते हो और जो ये फॉर्म है ये पूरा का पूरा यहाँ पे गिवन है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। ये गवर्नमेंट ने इसीलिए दिया गया है और काफ़ी अच्छा है कि बाद में कोई प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप अपनी ठीक करवा लो। सो थैंक यू सो मच।